पाकिस्तानी सेना का हाल ऐसा हो रहा है कि आए दिन उसके सैनिक किसी न किसी हमले में मारे जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी सैनिक फिर एक हमले का शिकार हो गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में मीर अली इलाके में एक सैन्य काफिले पर आत्मघाती विस्फोट में 4 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। सेना के मीडिया मामलों की शाखा ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR के मुताबिक जवानों की पहचान मानसहेरा निवासी 22 वर्षीय लांस नायक शाहजैब, घिसैर निवासी 26 वर्षीय लांस नायक सजाद, कोहाट निवासी 25 वर्षीय सिपाही उमर और नोरवाल निवासी 30 वर्षीय सिपाही खुर्रम के रूप में हुई है। ISPR ने एक बयान में कहा है कि खुफिया एजेंसियों ने हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावर और उसके अकाउंट और सूत्रधारों के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। हाल के महीनों में उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच झड़पें अक्सर हो रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमले पर दुख और चिंता व्यक्त की है और देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने का आश्वासन दिया है। लेकिन इस तरह के कोरे वादे पहले की सरकार भी करती रही है, लेकिन हाथ अब तक खाली है और पाकिस्तानी सेना के जवान लगातार इस तरह के हमलों में मारे जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी वर्नाक्यूलर मीडिया के मुताबिक इस साल के पहले 3 महीने के भीतर इस तरह के आतंकवादी हमले में कुल 105 सेना के जवानों की जान जा चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान का हाल कैसा रहा, जरा ये समझिए कि पाकिस्तान के पुलिस के जवान ही अगवा हो जा रहे हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं और आतंकी संगठन से चर्चा करनी पड़ रही है। पाकिस्तानी पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाए गए एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 4 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों को प्रभावशाली स्थानीय प्रतिनिधियों और आतंकवादी समूह के नेताओं के बीच एक सफल बैठक के बाद रिहा कराया गया है। तालिबान ने स्वात जिले की पहाड़ी प्यूचर घाटी में हुई वार्ता के बाद स्थानीय जिरगा सदस्यों को एक पुलिस अधीक्षक सहित बंधकों को सौंप दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे आम तौर पर पाकिस्तानी तालिबान के रूप में माना जाता है, वो अफगान पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह है। इसने पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर कई बार बड़े हमले किए हैं और इसके बावजूद हाल ऐसा है कि पाकिस्तान की सरकार इस आतंकी संगठन से बातचीत लगातार करना चाहती है, क्योंकि इसके सामने पाकिस्तानी सरकार सेना पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। और एक बार फिर यही हुआ है जब पाकिस्तानी पुलिस के 4 अधिकारियों को छुड़ाने के लिए TTP के आगे पाकिस्तानी सरकार को मिन्नतें करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।